लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाम सर ब्रिगेटर मिसिर सदीक मोहम्मद हनी पाती लैटन चौधरी कमेतर शर्मा बम सिंह संजीवन राम काली पंडित लक्ष्मी सिंह चरणमा पंडित उद्दू राउत कलुआ कहार छबीला मुसर सहल सैनी भिकारी राउत महेश बैठा हीरा ठाकुर चतुरी राम आनंद ठाकुर शंकर राय चिविल्ला मुसर जैनुल दीवान बसी अहमद धरीक्षण साव बेचना मुंगेसर राम नतुनी प्रजापति अकलुआ कहार चमरू राम कैलाश पासवान कालू राम करीम खां जमुना दास वीरू राम जानकी दास हो गया सब चलो। कैसा पाला पड़ रहा है इस साल हे बजरंग बली। तीन सौ दो वाला कैदी को बीच में रखो। पेशी वाला कागज रख लिया है ना? चलो इधर। चलो बढ़ो चलो। कहाँ रे ससुरा, और क्या देखता है? रंडी बुला रही है क्या? Oh,
नया केस आया है, बढ़ा दीजिए। सर संदेही संजीवन राम, आपको थाना प्रभारी चैनपुर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 376 के अंतर्गत गिरफ्तार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या आपके विरुद्ध इस एस्कॉर्ट पार्टी ने कोई दुर्व्यवहार किया है? मैं आपको 15 दिनों की अवधि के लिए मोतिहारी कारा में रिमांड करता हूं। तब तक पुलिस आपके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय के समक्ष समर्पित करेगी। का फैसला हुआ मलिक? तारीख पड़ा अगले महीने के 12 को। केस अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो फैसला क्या होगा? जमींदार आ ओकरा बाद मुखिया गिर वैसा का वैसा। अरे का किया है माधो पाड़े गांव के लिए? जो सरकार से मिलता है हड़प नमाए कर जाता। अरे मजूरा लोग का तो ऐसा हाल किया है कि भूखे तड़प रहा है। छोटका भाई राधो को नहर का ठीका का मिल गया कि लेबर लोग को चूस के रख दिया। दिन दिन भर बैल जैसा पैर के दूठो रुपया थमा देता है भीख जैसा। अरे इंजीनियर और ओवरसीयर लोग को माल चटा के सारा नक्शा प्लान अपना खेत से पास करवा लिया बाबू। अरे हरिजन टोला का रगुनी और कुट्टी तंग आके भाग गया पंजाब। तनी दूठो रुपया दो ना। अरे तंग आके भाग गया पंजाब। अरे किससे छुपा? कि हमरे मुखिया जी श्री श्री 108 श्री माधो पाड़े महाराज इलाका का एक नंबरी जनावर चोर है। अरे हम पूछते हैं दिन दहाड़े लोगों का बैल गोरू लापता हो कौन कराता है? बोलिए कौन कराता है? अरे जमुना पाड़े का बेबा के साथ इनका रसगुल्ला का किस्सा का गांव में छुपा है किसे? अरे जमीन जायदाद का बात तो छोड़िए, उसका साथ साथ हम 2 दिन के बाद से बाहर जा रहे हैं। इन समैया खराब है, तनी ठीके से रहना। अरे हमसे प्रणाम से कह रहा मधुबा आपका मुखिया जी हजूर प्रणाम कैसा सड़क का खेला खेलता है और प्रणाम मधुबा धर्म का काम करता है। का हो भुवनेश्वर, बेटी का गौना हो गया? जी मालिक साहब ठीके हो गया। रामचंद्रा कैसा है तुम्हारा बाप? उहे हाल है मालिक, खून खांसता रहता है। तब हमारा बिल पास हो जाएगा ना जी? काहे फिक्र करते हैं भाई। अरे आपका कमवा नहीं होगा तो किसका काम होगा? आप चलो ओवरसियर बाबू,
तुमको स्वर्ग में ले चले। का हो चिड़िया? का बाबू? मस्ती है। प्रणाम मालिक। कौन कहेगा कि ऐसा धर्मात्मा आदमी का ऐसा भाई है? धर्मात्मा? क्या कहते हो खुले सर? इन माधोपाल जिसको तुम धर्मात्मा कहते हो, उसका सतरंगा खेला तुमको बताए तो तरवा से पसीना छूट जाएगा, पसीना। कारण बाबू अलक्षण का रोख किधर है? काफी घी ढारा जा रहा है बालू में, देख नहीं रहे हैं कैंडिडेट का लक्षण? जी सौ बार का हारा हुआ पहलवान है, अखाड़ा कैसे छोड़ेगा ई रजपूतवा? अरे सत्यनारायण भगवान का पूजा किए थे हो? ले बुटेली प्रसादी है ले। अरे अरे बच्चा लोग तो भगवान का स्वरूप, अरे ये देखो कलुआ तो एकदम पट्टा जवान हो गया है। ले कहा गोकुल, कैसा तबीयत है? ठीक है बच्चा बाबू, आज इधर का रुक। हाँ हो, सोचा बहुत दिन हो गया तो खटिया लिया जा। अरे छोड़ो खटिया पटिया, कहाँ फर्स्ट क्लास जगह है। अरे ये क्या कर रहे बच्चा बाबू, अरे कहाँ मर गया ना कलुआ, जल्दी से खटिया ले आ, ला जल्दी से ला, रख यहाँ रख, बैठिए बच्चा बाबू। अरे इका हमको ऊपर बैठा के अपने नीचे बैठोगे? ये शोभा देता है का? उठो 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 उठो। अरे तुम ठहरे बूढ़ पुरानिया, तुम्हारा स्थान ऊंचा है, बैठो। ई क्या कर रहे हो बच्चा बाबू? बैठो गोकुल बा बैठो। छुआछूत भेदभाव ये सब, बैठो बैठ जाओ सब बैठ जाओ। छुआछूत भेदभाव ये सब बाभन लोग का बनाया नाटक है, हम नहीं मानते इसको। खून का रंग लाल है सब है कि नहीं है? तो फिर फर्क कैसा? फर्क इसलिए कि बाभन जमींदार था, बाभन मुखिया है। जो पहले था आज उससे भी बदतर है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं। और विश्वास कीजिए, जब तक माधो पाड़े मुखिया है इस गांव का, कुछ नहीं बदलेगा। हरिजन मारा जाएगा, पजूर पिसा जाएगा और माधो पाड़े राज करेगा। आपको अपना पसीना का मजूरी मिले न मिले, लेकिन उसका तकिया नंबरी नोट से भरता रहेगा। सरकार सबको वोट देने का हक दिया है, एक एक वोट। अब हम कहते हैं काहे बाभन लोग सब वोट भी लेगा और अत्याचार भी करेगा, और काहे सहेंगे आप लोग ये सब है? अरे हम तो कितना साल से आप लोगों का भला का बात सोच रहे हैं, लेकिन करे तो का और करे तो कैसे? आप लोग सोचते होंगे कि हम आपका वोट मांग के मुखिया बनने आए हैं। नाना भैया ना, हमारा हृदय इस बात का गवाही नहीं देता कि हम मुखिया के लायक हैं। इस लायक अगर कोई है तो बस गोकुल। सो ई इलेक्शन में गोकुल को माधो पाड़े के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं बच्चा बाबू? अरे बैठो गोकुल बाबू बैठो, बहुत अत्याचार हो गया आप लोगों पर, बहुत हो गया। गोकुल आपको इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, और हमारा जात का पूरा सपोर्ट है आपको, एक एक वोट मिलेगा। बच्चा बाबू आए हैं ई इलेक्शन में आपको खड़ा मुखिया बना रहे हैं गोकुल बाबू का? माधो पाड़े का रावण राज खत्म, दोनों एक ही खटिया पर बैठे हैं। राम राज लाना ही होगा। बोलो गोकुल, बोलो बोलो, गोकुल हमारा नेता है। अरे बोलो 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 गोकुल, अरे बोलो गोकुल, सिंगराज
गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल जिंदाबाद, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल हमारा नेता है, गोकुल जिंदाबाद, बच्चा सिंह बहुत तगड़ा चाल चल रहा है, का हरिजन न का छुटका जात, सबका बीच में खलबली मचा है। गोकुल चमार को मुखिया, अमुखिया पासवान को सरपंच के लिए खड़ा किया है। खुद तक कभी सपना में भी जीत नहीं सकता, मगर अब सब छुटका जात को भड़का रहा है। मालिक, अगर वोट बट गया तो बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम हो जाएगा। सरकार, पुनाई को बिलासपुर भेजना पड़ेगा। चल पुनाई, गोली का जैसा छूट के जा, जंगल का रास्ता से जाना, ज्यादा टाइम नहीं है, पौ फटने से पहले कट्टा लेके आ जा। असुन जी मालिक, फेर करके टेस्ट कर लेना। जी हो बच्चा दा, ये तो सुअर को गुलाब जल से नहलाने वाला बात हो गया। आपका खातिर तो कभी पीठ दिखाकर नहीं भागे, मगर अब चमार दुसाद को सपोर्ट करने को बोलिएगा तो ये बात। अरे माथा पर बैठ के मुतेगा तब पता चलेगा। कैसा इज्जत का माटी होगा, बोलिए। गोकुल हार गया तो राजपूत का नाम काला हो जाएगा। हो बच्चा दा, एक बार फिर क्लियर ब्रेन से सोच लीजिए। ब्रेन तो आप लोगों का फ्यूज हो गया है, बिजली बत्ती जैसा। जरा दिमाग लगा के सोचिए, गोकुल को खड़ा कौन किया है, वो किसका कैंडिडेट है। खड़ा किए हम, जिताएंगे हम, तो राज कौन करेगा। चमार, आप काहे नहीं सोचते कि बाभन का राज खत्म करने का यही एक आखिरी पॉलिटिक्स बच गया है। हम खड़ा होंगे तो हरिजन सपोर्ट नहीं करेगा, उसका जाति बिरादरी का लोग खड़ा होगा तो देखा नहीं कैसा खलबली मच गया। नहीं हो रहा, चमार के झुका चले। भाई पक्का है ना हो के हाथे में फट जाएगा। देखते नहीं हो, डबल माल चढ़ा है बारल पर। रास्ता बहुत डेंजरस हो गया है आजकल। अरे तुझको का फिकर है पुनाई, चैनपुर का मालिक माधो पांडे का नाम सुन के तो पुलिस भी बुलबुल्ला हो जाता है। अच्छा भाई, खेल सब खराब करके अब बैठे हैं सुख भवन में, तब होगी अब। मत मारा गया था आपका, एक पुनाई चमार ही बचा था का बिलासपुर जाने के वास्ते। विश्वास नहीं होता पुनाई आखिर। हाँ हाँ, हमरे बात पर काहे विश्वास होगा आपको। अरे मालूम है, निकलने से पहले पुनाई चमार कहा गया था
गोकुल चमार का घर में। वो हरिजन लीडर बोटेलिया बच्चा सिंह से 2 घंटा खुसुर फुसुर किया। आप हैं कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। मगर वो ऐसा काहे करेगा? काहे करेगा? कभी कभी तो आप भी। अरे पहला बार उसका जात का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, काहे नहीं उसका साइड लेगा पुनाई चमार। चलिए अब इतना जाड़ा में नहर पर परेड करना पड़ेगा रात भर, नदी किनारा भी गार्ड करना पड़ेगा। चलिए चलो भाई जल्दी चलो। अरे का गर्भवती और जैसा चल रहा है तुम लोग, तनी कदम उठा के चलो, अभी बहुत रास्ता बाकी है। काहे फिक्र में रात काट रहे हो गोकुल? कल का इलेक्शन में जब मुखिया बन जाओगे तब कहना। पुनाई का बोला था कट्टा लेके यही आएगा ना? बहुत खून खराबा होगा, बहुत खून खराबा। यहाँ रख दे ले। ले। चल जा सब छूट के। घेर लो सब बंदूक। कहा रे शंकर,
का बोला था जोगा? काम फिनिश करके यहीं आने को बोला था मालिक। अरे तू कौन है रे? चल पोजीशन ले ले। आदमी 10-10 वोट दे रहा है, खाली बोगस वोट पड़ रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। साला पावर दिखाता है, पोलिंग एजेंट बना है, मिलना खेत में टेढ़ी का जना, पताल लोग का रास्ता नहीं दिखा जाता ना। वोट नहीं देने देगा? कैसे नहीं वोट देते हम देखो ना, राजपूत का बच्चा सा। साबस पट्टी फिर जा फिर से। ए चल बाल सफा करता। टनों में से रामदेव में से भुवनेश्वर में से पटेश्वर में से परेश्वर में से सरेश्वर में से। ए रामोतार पांडे के नाम पर वोट दिया क्या? ए तो कबे सरक बासी हो गए, हमरा जीते जी तू काहे मरता है रे? अरे तू मरे गया तो कौन कमी हो जाएगी धरती मैया को? हैं अजनाना महल का कहल है भाई, फंस गया गुलाबिया का की प्राण संभाले हुई है। अरे बांधे को वोट गिरा दिया। अरे चुप, ई तो अभी 10 वोट और देगी। ए मीरा तू किसका वोट देगी? लीलावती का। ए बुद्धि जल्दी से निशान छोड़ा। हां हां अब साड़ी पहने और जाके रामू बेवा कर तड़प रहा है रजपूतवा। अरे एक अंडा भी आ जाए बस्ती से वोट देने तब पेशाब कर दीजिएगा हमरे मोच पर मालिक। बाहर खड़ा है दूजना, चारों तरफ से घेर लिया है, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, सबका हाथ में बंदूक है। अन्याय है, सरासर अन्याय है।
बर्बाद हो गया। साहब पानी नाक से चढ़कर मगज पर आ गया। अपोजिट पार्टी का लोग पूरा हरजन टोला को हरवे हथियार का साथ घेर लिया है, तो आपको खबर करना चाहिए कि नहीं ऊपर का अफसर? देखिए आप अपना कंप्लेंट लिख करके दीजिए, और अगर आप चुनाव से संतुष्ट नहीं हो तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए, चुनाव को अवैध करार करवाइए, लेकिन इस वक्त मेरा माथा मत खाइए और यहाँ की कार्रवाई में बाधा मत डालिए। चलिए। सब समझते हैं। क्या हो गया तुम सबको? नपुंसक सब है? काराना प्रताप का खून तुम लोगों में नहीं है? निर्बल हरिजन पर अत्याचार हो रहा है और हम लोग हिजड़ा जैसा सब सहते रहे? ओ बच्चा दा, हम लोग चमार दुसाद के लिए अपना जान नहीं देंगे। तुम होते तो पानी जैसे छलका देते अपना खून, लेकिन मगर 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 गोकुल हमारा कैंडिडेट है, हम खड़ा किए हैं उसको। तो उससे क्या हुआ, चमार राजपूत हो जाएगा? ये मंत्र आपका चलाया हुआ है तो फूंकते रहिए, जिंदगी भर पापड़ का तलवा चाटते रहिए। देख रहे हो क्या हो रहा है सब? कितना बड़ा अन्याय, सब कुछ धूल में मिल जाएगा, माटी हो जाएगा सब किया करा। कोकुल हरजन टोला में इतने लोग हैं, इनको बोलो कि बाहर आए, सामना करें किराए के लोगों का। सामना कैसे करें, हलाल हो जाएंगे सब बकरी जैसा। हम तो पहले ही कहते थे बाबू साहब कि हमका इलेक्शन के फेरा में मत फंसाइए। टोला का चमार सब जनावर का मऊत मरेगा, अक्का हो जाएगा हमरे मुखिया हो जाने से, का बदल जाएगा? गलती हमरा ही है जो अपना औकात भूल के हम। गोना ले जा राजा जी, गोना ले जा राजा जी, हमरी चढ़ल बा जवनिया। गोना ले जा राजा जी, हमरी चढ़ल बा जवनिया, गोना ले जा राजा जी। गोनुआ के आई आई गोना ले जा राजा जी, गोना ले जा राजा जी, हमरी चढ़ल का बना हुआ है साहब, मजे से खाइए। अरे किसको लड्डू दीजिए भाई। ओहो हाँ, खाली पूड़िया दे तो हो उनको दीजिए। अच्छा टिंगू मिश्र को दीजिए कुछ। रतवा रतवा इधर जाए हमको। जमदार साहब को मुरब्बा दीजिए। हाँ आई इनको पूरी दीजिए, खूब पेट भर के खाइए, नाच देखिए। हाँ ये देखिए इनको, बैगन खरीदो और खा जाए इनको। अरे तुम लोग चले मत जाना, हाथ खा के जाना, अनाज चलेगा रात भर।
खरा रहे फुलवारी हो जी मालिक का भोल हो भैया संत दरिद्र हो जाए भगवान जय का मालिक का। मार के नदी के किनारे फेंक दिया था सब। चल 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 हटो 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 ये तो किल्जर केस है मर्डर का। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा हाथ पर हाथ धर के बैठा मत रहो। पुलिस को खबर करो नहीं तो केस खराब हो जाएगा। गोकुल क्या कर रहे हो? का बच्चा बाबू काहे हम लोगों को फेरा में डाल रहे? पुलिस मुकदमा कहां चलेगा हम लोग से? चलो भाई क्रियाक्रम का तैयारी करो। ऐसे नहीं सुनेगा ये हरामी, चाल खेलता है। आज देखा हो आई तो संजीवना का खेत है। ये कह रहा है संजीवन संजीवन का है तने देखा हो ये तुम्हारा खेत में? खेत में अरे पापा ये क्या कर रहा है ये लोग? ए ए भाई चंदन, ए भैया, ए भाई, ए भाई ये क्या कर रहे हो? ए भैया तनी हमरा बात मानो। ए भाई अरे अरे भैया अरे का मालिक से बोल। ए भैया बच्चन, ए भैया तनी हमरा बात मानो। सरकार मालिक हम कौन कसूर किए मालिक? हुजूर सरकार फसल सब राय छिट्टी हो जाएगा सरकार। सस दुनिया भर का कर्जा लेके न सूद देता है न सलाम करता है, का समझ रखा है अपने माई का गुलाम? कर्जा पैसा पचाने का उपाय करता है टेढ़ी का जना। अरे ओ चंद्रा जी दौड़ता खोल ले साले का बैल, अब बांध दे माधव के दरवाजे पर। नौटंकी करता है बहिन का भतार। चंद्रिका करता हमारा हाथ पकड़ने का होगा? हम तो हुक्मी बंदा है, संजीवना को कहिए जाके माधव मालिक का पांव धरे, हमारा हाथ पकड़ने से कुछ ना होगा। अरे छोड़ आपका होगा सूरज भगवान। सरकार मालिक। अरे कौन है रे तू? संजीवना सरकार
पुनाई का बेटा मालिक रुन्नू बाबू हमरा फसल जना इंग्लिश छाटता है, कहता है कर्जा हम नहीं लिया। अरे दे का एक एक रुआ खींच के वसूल नहीं किया तो हमारा नाम भी रुन्नू बाबू नहीं। अरे काहे रुन्नू बाबू, काहे अत्याचार कर रहे हैं गरीब पर? अत्याचार? अरे इससे पूछिए ईका कर रहा है पुण्य कारज। अरे दे देगा, कहां जा रहा है? अपना पुनाई का बेटा है यार। सरकार हमरा चमड़ी का जूता बना लीजिए जो हम झूठ बोले था। बप्पा हमको कभी कुछ नहीं बताया ई कर्जा का बारे में। सुन रहे हैं, सुनिए इनका रामायण। अरे संजीवन बाबू, वो खेत जिसमें आपका फसल लगा था उसका आपको गवर्नमेंट से मिला था। आपका बाप यहाँ हैंडनोट पर हैंडनोट छापे जाता था। आप कहते हैं कि बोल साला, अपने बाप का अंगूठा पहचानता है कि नहीं? आखिर तुम्हारा माई का दुचार यार भी था, बोल। रुन्नू बाबू, का रामायण बांचने लगे, सीधा कहिए कि कुल मिला के कितना है? लिखा है माधोबा, एक एक पाई का हिसाब लिखा है। 3,500 नगद और 5 मन धान मूल का हुआ, सूद जोड़ेंगे ता। अरे छोड़िए, पुनाई से का कभी सूद लिए थे? रहने दीजिए, थोड़ा दिन का मोहलत दे दीजिए। लेकिन सरकार, इसका बाप मर गया तब सब कर्जा इसका नाम पर ट्रांसफर होगा कि नहीं? ओफो, कहीं भागा जाता है संजीवना? नहीं सरकार, जमाना बहुत खराब है, आजकल तो अपना आप पर भी विश्वास नहीं रहा। अच्छा भाई, नया कागज बना दे संजीवना, ये रुन्नू बाबू नहीं छोड़ेंगे। चले घर। हाँ ढीला कर रहे ससुरा। मगर तू सादा कागज पर अंगूठा काहे लगाया? बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। जवाब दे? आपका बालिस्टर साहब हुए? कितना बार हम तुमको बोले कि हम कौन शौक से अंगूठा का छाप नहीं दिया? माधव बाबा बोले तो लगा दिया, मगर इसको तो रह रहा के जुआर आ रहा है हर पखत एक के बाद। अरे अपने बाप का कर्जा हम नहीं सधाएंगे तो और कौन देगा? तू? एकदम संभाल के उत्तर तरफ का दीवाल में सिंध फोड़ना। चंद्रा जी, छोला में चावल ले ले सिर भर, छीट देना बाहर में। अब उछना। जी सर। ज्यादा होशियारी दिखाने का जरूरत नहीं है, खाली सिंध फोड़ना है। अंदर का काम किसो खुद दे कर लेगा, समझा कि नहीं? जी मालिक। अब जा छुटके। इंतजाम सब कंप्लीट है, पुलिस जमदार मिला था बाजार में, सवेरे पहुंच जाएगा यहां। अब किसो पाने को भी फिट कर दिया है सरकार। बैल अभी तो चटा रहा है अंगना में, आज उठना नहीं का? का हुआ? माई रे, तुम्हारा माथा तो तवा जैसा तप रहा है, चुपचाप सोते रहो। बैल बाहर बांध के तुलसी का काढ़ा चढ़ा देते हैं, आराम हो जाएगा। फिर कहीं हल्ला हो रहा है, कहा जाने अब का होगा। और काका गया? चुटकी जाने ने छोड़ा रे बाप। अरे कुछ बताइएगा भी कि खाली पिपहिया बाजा बजेगा भाई। ये सब कुछ लगा। अद्भुत है आप लोग भी। अरे पंडित जी, शोक सभा का त्याग कीजिए, कुछ काम का बात बोलिए। आपका किसी से झगड़ा दावत भी था, किसी पर शक सुभा? शक सुभा का बातें कहाँ है, हम तो अपना आंख से देखे चोर को।
पहचानते हैं हजूर। पहचानते हैं तो छाती का पीट रहे हैं। नंबा बताइए कि कौन था। पुनाई चमार का बेटा संजीवना। और कौन है ये गांव में। एक नंबरी चोर था उसका बाप, अब भेटनर निकला है उसका बेटा। मगर जब आप देखा तो हल्ला काहे नहीं किए। हुजूर फुल साइज का लंगा तलवार लेकर घुसा था। हम तो हुजूर उसको जेल भिजवा दीजिए, फिर पूरा इलाका में शांति हो जाएगा। क्या हुआ रे? काके काके सिपाही दरोगा आया है। केशव बाबू के यहाँ चोरी हो गया और काका का नाम लगा दिया है। क्या बोल रहा है तू? अरे तू खुद दे सुना कि ऐसे ही बक बक कर रहा। हम सुना काका, वो तुमरा ना बगाया सब लोगों का सामने। अब क्या होगा? संजीवना, अरे यही बैठा अभी तक। अरे ससुरा भाग जल्दी से, पुलिस जमदार से बस्ती में आ गया, पकड़ा गया तो थाना में सड़ जाएगा। मगर हम कुछ नहीं किया। बुखार तो तुम्हारा छोड़ा देगा पुलिस, जब थाना में उल्टा टांग के चुतल फोड़ेगा तब पता चलेगा। मगर हम चोरी नहीं किए। चल भाग जल्दी से। अरे तो आगे जाएगा कहाँ? माधव मालिक क्या और कहा, वही बचा रहा है। चंदन, हम कुछ नहीं किया भाई। आइए है कहाँ? संजीवना का घर कहाँ है रे साला संजीवना? चल बाहर निकल। सुनता नहीं है का रे? हमारा टाइम खराब मत कर। चल निकल बाहर रे बहन का जना, न तो साले इतना मार मारेंगे कि होश खराब हो जाएगा। ये कौन है? उसका घरवाली है सरकार। नहीं है घर में, सबेरा बकत से ही बाहर गया है। हाथ साफ करके गंगा नहाने काशी गया है का? चल हट, रास्ता जाम मत कर। तलाशी लेना है। प्रणाम मालकिन। कहा है रोनू बाबू? अरे कहा पूछती है मालकिन। अपना पुनाई का कुलदीपक है संजीवना, रात सेंध फोड़ दिया केशव पाड़े का घर में। अब सरकार की हम माथा रगड़ रहा है। पड़ा रहा मुर्दा सियार जैसा। साल कुकरम ई करें, मेवा ई खाएं, अब पराश्चित मुखिया जी करें। आप तक खाइए नहीं रहे। अरे नहीं भाई अब नहीं। अरे लीजिए भी एकदम फ्रेश है। अरे ना लूनू बाबू, अब तो सांसों लेने का जगह नहीं है। अरे बस करो भाई, खुराक को एकदम गायबे हो गया जमदार साहब। अरे बस करो भाई, बस करो। पाचक का गोली हमारा पॉकेट में है। अरे बस करो भाई ना लूनू बाबू, अब तो नहीं बिल्कुल नहीं हो गया। ओ अरे ये सब का क्या जरूरत? रख लीजिए जमदार साहब, बच्चा लोग मिठाई खाए। ओ आप तो एकदम शर्मिंदा कर देते का रुन्नू बाबू, बड़ा जल्दी खिला दिया। अरे ना हुजूर, खूब जम के डटाया है सब। अब तो सोच रहा है कि साइकिल का पैदल कैसे चलेगा। अरे तो का हुआ, तनी आराम कर लीजिए, दोपहरिया उतरेगा तो जाइएगा। जी ना, हमीरपुर में एक ठो केस का इंक्वायरी, वही बैल चोरी वाला मामला है ना, तो हमका कभी थाना से हिलते हैं। प्रणाम माधव। अच्छा रोनू बाबू, मालिक
तू इतना डरा हुआ काहे है रे? तू जो कुछ भी किया सो किया, मगर अब तू हमरा शरण में है ना मालिक? ये चोरी हमने, असल में तू घबरा गया। रुन्नू बाबू तुमको कर्जा के बारे में कहे और तू अकबका गया। डर मत नुन्नू, अरे तुम्हारा बाप पुनाई जिंदगी भर हमारा दहना हाथ बन के रहा, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी, कभी कोनो तकलीफ हुआ उसको? हमारा बात सुनेगा तो तुमको भी जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगा। देख, तू अपना बाप का जिम्मेवारी संभाल ले। अरे जनावर का व्यापार में कोनो खतरा नहीं है, बस रस्सी खोला हाथ में लिया और पीछे पीछे गाय बैल चलाया, एजेंट के हाथ में थमा दिया और काम खत्म। हर जनावर का पीछे 50 रुपया तुम्हारे हिसाब से कट जाएगा। मालिक ना मालिक, हमारा जान आपका चरण में है, मगर ये काम हमसे ठीक है। हम तो तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहे थे, तू जवान है समर्थ है, तुम्हारे पास अपने बाप का बनाया खेत है, घर है, जोड़ा बैल भी है, तो बेच के कमा के कर्जा तो तू सधा ही सकता है। अब ये थाना पुलिस तुम्हारे पीछे है तो खैर, अपना रक्षा भी तू खुद दे कर लेगा। तो नया दिखता है हो? हाँ, 15 ही दिन तो हुआ। सोनपुर का मेला से लाए थे हरी पासवान। कौन? हरी पासवान का बेटा? हाँ। सोनपुर वाला? हाँ हाँ। आजकल बाजार बहुत ठंडा जा रहा है। अब तनी पर्ची जल्दी बना दो हो दामू साहब, कौआ बोलने से पहले ही लौटना है। हाँ भैया ठीक है कहते हो, यहाँ रहने के वास्ते कौन आया? ए लंगड़ा चल जरा जवान लोग के ठंडा दूर कर दे। चलो सामू पर्ची लिख के दे दो। तारीख के साथ साथ टाइम भी डाल देना। ये पर्ची रख ले, सवेरा वक्त में रुनू बाबू को दे देना। हम्म।
ओहो, इतना महत माइन है, लगता है लौट आई बनारस से। चेहरा एकदम पियर कलहार हुआ है, काहे बीमार उमार थी का? ऐसा बात था तो दुलाइन लिख के पोस्ट कर देती। ठंडा इतना जोर का मारा कि लगा भगवान का बुलावा आ गया। काहे ऐसा अशुभ बात करती हैं? बेचारे मुखिया जी तो बराबर ही आपके बारे में पूछते रहते हैं। बहुत दिन लगा दिए इस बार, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लगता। एक महीना से बीमार थी बनारसे में। अच्छा किया जो लौट आए, कोनो चीज का जरूरत हो तो खबर भेजिए। अरे वो संजीवना। जी सरकार। जा चला जा महात्मा इनके साथ, सामान उमान उतार देना और साफ सफैया कर देना। हाँ जा। ठीक, चढ़ा देंगे हिसाब। बीमार थी का? सूप के एकदम काटा हो गई है ना, चिट्ठी ना पत्री, कहा जाने का हाल है। चलो पता लगा। हाँ हेलो थोड़ी देर। अब खाली घर तो भूत का डेरा लगेगा ही, मगर चिंता का कोई जरूरत नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। अरे नगीना, कब आए हो? दो घंटा से बैठा है। बैल खुल गया परसों रात। कुछ पता चला? दामू साह के पास बंधा है। कहा बोला? कहा कि 100 का में 1000 लगेगा। पंचायत बुला ले, मगर अपना साइड से तो कोई है नहीं। माधव बाबू को जाके कहो ना। हमको ई सब में काहे घसीटता है रे? हमरा इज्जत का सवाल है मालिक,
ई हमरा साला नगीना बहुत तफलीक में है। आपका खातिर तो हम हर वक्त जान देने को तैयार हैं। आपका कहा कोनो नहीं टालेगा सरकार। बस बस ई एक बार मालिक। मगर ई काम फोकट में होने वाला नहीं है। दमुआ बहुत लालची आदमी है। कितना पैसा लाया है रे नगीना? 300 मालिक। और 300 में नहीं हुआ तब? आप माए बाप है सरकार, आपका शरण में है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। ये पंचायत का जो फैसला होगा वो दोनों पार्टी के लिए एकदम फाइनल होगा। मंजूर है तो हाँ कहिए। जी मालिक। मंजूर है। अच्छा तो ये बताइए कि फिरौती का रकम कितना मांगते हैं? अब हम का कहें, अब तक हमारा 800 रुपया खर्चा हो गया है। बैल जो दो दिन दाना पानी खाया सो अलग। अब आप लोग पंच हैं तो जे कहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमको हमारा खर्चा मिल जाए, हम बैल छोड़ देंगे। का नगीना? मालिक लोग का सामने हम का बोले माई बाप। कर्जा लेके तो बैल खरीदे थे कि फसल काट के सधा देंगे, मगर धान तक खेते में जल गया इस साल। बाल बच्चा पेट डेंगा रहे हैं, कहां से लाएंगे इतना पैसा? तो सुखसागर का बाँच रहा है, सीधे सीधे बता कि इतना तक दे सकते हैं। जोरू का गहना गुड़िया बंधक रख के हम 300 रुपया लाए हैं, बस इतने ही है हमरे पास। नगीना, तू समझता होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारा बैल खोल के तुम्ही से पैसा मांगा जा रहा है, मगर ऐसा बात नहीं है। तू असल में अपनी लापरवाही का भुगतान कर रहा है। ये बता कि जो आदमी चोरी करने गया, अगर पकड़ा जाता तब तू उसे छोड़ देता? अब बता कि न्याय किधर है? एक तरफ एक आदमी का जान है और दूसरी तरफ 800 रुपया। ईटा हम सब की ईमानदारी है कि थोड़ा बहुत पैसा लेके जनावर वापस कर देते हैं, नहीं तो बाजार में बेच के दूना रकम तो मिल ही सकता है। पंचों से हमारा सिफारिश है कि फिरौती का रकम कम करके दामू के साथ अन्याय न करें। रहा बात नगीना का, सो जो भी कम पड़ता है वो नगीना का तरफ से हम भर देंगे। काज ने कौन जरूरत था मुखिया जी को, बन गए धर्मात्मा और डाल दिया पॉकेट में हाथ। अहिया सब वसूली करते करते हमारा जान परेशान रहता है। अब जमीन भी कहाँ है सबके पास, मजूरा सब अलग भूखे मरता है। पंजाब जा रहे हैं सब। हाँ, रघुनी और कुट्टी खूब कमा के लौटा है। सुपुत्र सब कहाँ रखवा दे महात्मा ई चावल का बोरा? ई का है रुन्नू बाबू, आपका फसल है और का? का? ई आधा बोरा। हमारा दो फसल काट के 5 बीघा जमीन में इतना ही अनाज हुआ है। अरे परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि दो दाना घर में लौट के आ गया। यहाँ तक सब खेत में ही जल गया है ना। गांव भर का नाक हमारा जमीन। साल भर पहले तक 100 मन अनाज आंख मूंद के होता था, मगर जब से आपका जोत में गया है बिराना हो गया। बाहरे माधो पंडित, कितना पाप करेगा तू? 50 मन साल देने का वादा किए थे और अब भेजते हैं एक मुट्ठी भीख।
महात्माइन का मालूम आपको? सब मालूम है हमको। हटाइए अभी, ले जाइए ये बुरा यहाँ से और चढ़ा दीजिए अगरबत्ती फूल देके उमाधो का साई पर और कह दीजिए हमको हमारा जमीन वापस चाहिए। फिर जिसको चाहे उसको दे, हम अहीर को दे चाहे चमार को, मगर उसका हाथ में नहीं छोड़ेंगे। पाखंडी पिसाच सबका खून चूस रहा है। बुटेली क्या टेंगरा दुखिया? अरे तू किधर जा रही साली, चल भाग यहां से। मर जाएंगे हम मालिक, हमरा मर्द बुखार में पड़ा है। दो दिन हो गया बचवा सबका मुंह में दाना गए। मालिक हम सब मजूरा से ज्यादा काम करेंगे, बस आज भर काम में लगा लीजिए। चुप रहो भैया, अपना दे तो ढोया नहीं जाता, यहाँ का तो माटी ढोएगी, चल जान मत का। हम नहीं खाएंगे तो हमरे पेट का बच्चा मर जाएगा, तनिक ख्याल कीजिए मेरा। अरे पेट का बच्चा कहाँ सोच रखा, यहाँ हरामी का जना सबका खाते अरे ताले खोल रखा है हम। चल चल तिरिया चले तो कहीं और दिखाना, बस बस भरकर है। अरे भरकर है रंडी, चूलिया तो तुरंत स्नान करना पड़ेगा। कहाँ हो रहा है यहाँ रंडी का नाच, चल भाग यहाँ से। कौन है रे, क्या हुआ? दुखिया है सरकार, बकुला का औरत, काम मांगने आई थी, अब मुंशी जी डंटा लेके मार दिए। मारे ना तो क्या करें, सौ दफा कहे मना किए कि भर के रहे, तो भी सुधरी हमने देह पर सवार हो गई। देह तो खूब छुआता है आपका, रात बिरात जब सुमारी के बिछौने में घुस जाते हैं तब का होता है मुंशी जी? अरे सवेरा बखत गंगा जल छिड़क के पवित्र हो जाते हैं, और का है मुंशी जी, का ड्यूटी है आपका? लाठी चलाना, वो भी जनाना पर? हाँ कुछ हो जाता उसको तो जिम्मेदारी कौन लेता उसका? चलिए तुरंत दीजिए इसको 2 रुपया फुल मजूरी, बाकी लोग काम पर चलो। अब टेली जा पहुंचा दे इसको घर पर। छोटा मालिक एक ठो बात और कहना था आपसे, ये 2-2.5 रुपया में बाल बच्चा आधा पेट रह जाता है सरकार। जी मालिक बाबू, आप ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे जिए सरकार? एक पैसे का फायदा नहीं है इन नहर का ठेकेदारी में, सो ऐसा करो कि हमारा काम भी चलता रहे तुमरा चूल्हा भी जलता रहे, नहीं तो काम बंद करना पड़ेगा। कौन बोल रहा था? पुटेली की औरत है। झगड़ा कर रही है, पंजाब जाने को कहती है। यही वक्त मिलाएगा झगड़ने का वास्ते? मुझे उसे अभी तो लौटा है बाजार से पी के। रघुने का औरत मुगले आजन साड़ी खरीद खरीदा है। अरे इसके मुंह में आग लगाऊं? अरे इसको चमरवा चीरे। अरे चतु तुम्हारा यार सब
रुक के मर जा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पंजाब। छोड़ना हर बखत ना डटिन का खेला करता है, चल भाग यहां से। चल रे चल, भाग नहीं तो पागल हो गया है कल से। कितना में खरीदा है रे पाचा? एक को कौड़ी नहीं लगा सरकार, हमारा मालिक खुश होके दिया है, थोड़ा बेसी काम कर देते थे इसीलिए। काम तो वहाँ बदन फाड़ है मालिक, मगर पैसा भी मिलता है। कितना रे? एक बखत का खाना और 10 रुपया डेली। हाँ 10 रुपया डेली? कारे बस्ती में तो तहलका मच गया होगा रेट सुन के। अब तो बहुत जवान लोग तैयार हो रहा होगा पंजाब जाने का वास्ते। कहाँ मालिक, अरे 50 रुपया तक खाली भाड़ा है ट्रेन का, खर्चा वर्चा लेके 70-75 तो चाहिए ही। इतना पैसा होगा तब ना पंजाब जाएगा कोई। अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ हो रहा प्यारे, कहाँ बिचर रहे थे? मंदिर में बैठा था, आज कीर्तन का प्रोग्राम है। सुना महात्माएं भी आ गई है भोरे में? हाँ आ गई है बेचारी, आधा हो गई, बीमार पड़ी थी का तो काशी में। का करेगी बेचारी, अरे एक तो भरा जवानी में मरत गया, ऊपर से जमीन जायदाद तो क्या ते भी नोच के खा रहा है पापी माधव। टिकने थोड़े देगा यहाँ, देख लेना। कभी कभी तो पता नहीं तुमको का हो जाता है। काम के कारण नहीं आ सके, कोनो तकलीफ तो नहीं हुआ बनारस में? तकलीफ कैसा है बान है ऋतु, कोनो गांव का रंटी या रखेल नहीं है हम, कहीं चलाता है लूटने अबला विधवा को। कौन बात में लग गए,
ये शरीर संताप देने का वास्ते नहीं, भोग करने का चीज है। अच्छा, अपना बेटी का भक्षण कर, उसका पेट में अपना पाप भर, भेज दे उसको काशी पेट गिराने का वास्ते। हमारा जीवन का ही नरक करता है तो हम नरक कर दिया तुम्हारा जीवन नरक। हाँ, सालों साल जब तुम्हारा घरवाला अस्पताल में पड़ा था, रात बेरात जब भी तुमको जरूरत लगा, हम आंख बंद करके दिए पैसा अनाज। उस वक्त नरक सुरक का बात तुम नहीं सोचे। चढ़ती जवानी में विधवा हुई, तुम्हारा अपना गांव का लोग तुमको रखने का वास्ते तैयार नहीं हुआ। अहम यहां तुम्हारा घर बना के तुमको रहने का वास्ते दिया। उस वक्त नरक का ख्याल नहीं आया। जब गांव का जवान लोग तुम्हारे आगे पीछा घूमता था, हम सबको हांक हांक के तुम्हारा रक्षा किए, तब तक कुछ नहीं लगा। अब हमारे कारण तुम्हारा जिंदगी चैन से गुजर रहा है, तो नरक स्वर्ग का बात समझ में आने लगा। का समझती हो, ई उम्र में बिना हमरे रक्षा के ई दुनिया में तुमको स्वर्ग मिल जाएगा? तुम्हारा बोटी बोटी नोच के खा जाएगा सब। ई तो हम हैं कि तुम जी रहे हो मान प्रतिष्ठा के साथ। संजीवन, ए हो संजीवन, तनी उठा हो। मत जाओ आज, हमरा मन बहुत घबरा रहा है। ई काप सकुन कर रही है जाने का वक्त में। जल्दी चलो हो, बहुत देरी हो गया। चलो चलो। समय बहुत खराब आ गया। सुना कि कल महात्माइन बड़ा ताल ठोक रही थी। कलयुग का प्रभाव है और का, जिसका रक्षा करो पेट भरो वही काटने को दौड़ता है। अपना खेत वापस मांग रही थी का? नहर में पानी आ गया तो जमीन सोना हो जाएगा,
कुछ सोचे हैं आप? सुना के कल तुमरे साइट पर भी कुछ बच्चा सिंह का करस्तानी है सब, भड़का दिया है मजूरा सबको, असाला हमरा इज्जत डाउन करना चाहता है, अपना खर्चा पर पंजाब भेज रहा है सबको, हमरा तो कामे ठप पड़ जाएगा। उधर अफसर भी लीचर आया है, टाइम पर काम खत्म ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। नदी पार से मजूरा काहे नहीं मंगा लेते? नदी पार टॉन का रेट हो गया है, 5 रुपया मांगता है सब, और खर्चा अलग से। जमाना बहुत खराब हो गया है नन्नू, शांति से काम लो। रामायण आपे पढ़िए, हम तो अपना इंतजाम कर लिए हैं। ये घर पन्ना सत्तो अहीर का है, हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी खटर पटर तो फौरन फायर कर देना। ठीक है। सरकार गजब हो गया मालिक, सोन गांव में लोग जाग गया, अनगिना को गोली लग गया। असंजीवना तो बच गया सरकार, मगर बड़ा रिक्स का काम किया है, नगिना को यहां उठा लाया है। यहां ले आया है? नगीना,
कहां मुंह दिखाएंगे तुम्हारा बहन को। भैया नगीना, इसको यहां काहे लाया रे नुन्नू? तो और कहां ले जाते सरकार? अरे जो मर गया उसको ढूंढने से क्या फायदा, वो तो मुसीबत ही खड़ा करेगा। रुन्नू बाबू जी मालिक, चलिए आप लाश को ठिकाना लगाइए, यहां कोई भी निशान न रहे। मगर मालिक, नगीना तो जान दे दिया आपके लिए। का बोला रे? हमरा खातिर जान दिया संजीवना? एक ठो बात अच्छा तरह समझ ले, नगीना अपना कर्जा सधाने का वास्ते चोरी करने गया, अमारा गया। थोड़ा पानी दे, धोना होगा सब। हमको कुछ नहीं हुआ रे नगीना, ले फेंकू, जल्दी करो राम प्यारे। बुटेली? इका बुटेली? अरे तुम्हारा जनाना तो कमाल किया हो, आखिर तुमको पकड़ा ही दिया पंजाब का रास्ता। हाँ अभी यहां पेट भी तो नहीं भरता, का करें। जा, एकदम ठीक है, चला जा, साथ चला जा पंजाब, वहां पैसा है, काम है, जा बुनिया से कमा, यहां पापन लोग सबका खून चूस लेगा, कुछ नहीं है यहां, सब चला जा पंजाब। इंदिरा चलो, रेंट का टाइम हो गया। क्या होगा अभी नहार का हो? हो देंगे राधो मालिक बैठ के। का है? पैसा है तो मजूरा का कमी कैसे, नदी पार से मंगा लावेंगे और का।
बाबू लोग का सवारी किधर निकला है? हाँ? पंजाब, राजा लोग पंजाब चले हैं माल कमाने। काहे? यहाँ काम नहीं मिलता आप लोगों को? अपना देश का रोटी सुहाता नहीं है का? ना, राजो मालिक पैसा थोड़े देते हैं इन लोगों को, बेगार खटवाते हैं सबसे। का देते हैं राधो मालिक? आधा पेट तो भरता नहीं। अब भर गया पेट कि और बाकी है कुछ? ध्यान से सुनिए राजा लोग, पंजाब जाने का ख्याल निकाल दीजिए अपना दिल से। सबका सब लौट के घर जाओ और साइट पर रिपोर्ट करो, नहीं तो नहीं तो क्या कर लेगा तू? हाँ, जान मार देगा, गोली मार देगा। बोल। भगवान महात्मा ही, अरे आग लगाए बस्ती में महात्मा ही, मार डाला सबको, ये तो बड़ा जुलम हो रहा है। अरे कैसे हुआ? कहा जाने कैसे हुआ? कौन कर रहा? अरे कहा हुआ? कौन कर रहा है सब? ये कौन लोग हैं? का पता, हम तो बस तीन जना को ही पहचाना, अलग सर के टेम में भी आए थे लोग। तो पांडे का पिंडा है सब। चलो चलो चल चल भीतर चलो सब। चलो सरकार, सरकार मालिक को लेके चलिए सरकार, परलय हो गया, मार डाला सबको सरकार, मालिक को लेके चलिए। मालिक क्या करेंगे पगला? अरे डाकू है डाकू, जवाब। नाना सरकार एक बार मालिक से कहिए कि चलूंगा, बड़ा मालिक के सामने कौन नहीं ठहरेगा, ना तो सब नाश हो जाएगा सरकार। अरे हो जाने दे सर, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भुगतेगा ना। जान संभाल अपना, तू काहे को जान दे रहा है, है? कुछ भी कहिए मगर ये ठीक नहीं हुआ। बहुत मन बढ़ गया है राधो पांडे का, ये गुंडागर्दी तो रोकना ही पड़ेगा। आज हरिजन लोग का बस्ती में हो रहा है, कल हम लोग का बस्ती में होगा। बच्चा दा कहिए तो घेर लेते हैं समुच्चा बस्ती को, एक ठो को बच के जाने नहीं देंगे। चुपचाप बैठिए आप लोग और तमाशा देखिए। अच्छा पाठ पढ़ाया हरामी सबको, पंजाब पहुंच गए सबके सब साले।
का जरूरत था इस सब करने का? तो का इन सालों से मीठा मीठा बात करें? आए? मानने वाले हैं ये भड़ुए के जने? तो अब मान जाएंगे सब? तुमरा नहर खोदने के लिए हाजिर हो जाएंगे? अब चाहे जो हो, उनको पता तो चल गया कि हम कहां हैं। तुमको मालूम है कि तुम कहां हो? तुम एक घटिया किस्म के बेवकूफ हो। का समझते हो, इतना बड़ा कांड ढांप लोगे तुम? सरकार, पुलिस को खबर कर दें सरकार, चोर डकैत का किस्सा बता देंगे। आप लोग का सोचते हैं? बच्चा सिंह अब तक बैठा होगा का टांग पसार के? तुरंत गायब हो जाओ यहां से, जब तक सब शांत ना हो जाए लौट के मत आना। कोई किसी चीज को हाथ ना लगाए, जो जहां है वहां पड़ा रहने दो। जब तक पुलिस नहीं आ जाता, लाश सब जैसा और जहां है वहीं रहने दो। घबराइए मत आप लोग। मालिक तीर्थ रास्ता भी नहरे पर। अच्छा, जाओ जवान लोग, तुम लोग वहीं पर पहरा दो। अरे छू मत, छू मत। अरे छू मत, केस खराब हो जाएगा, पुलिस को आ जाने दो। गोकुल, अरे हमारा आदमी थाना चला गया है, हम आप लोगों का साथ है। बुचना राधो बाबू को ट्रेन पकड़ा के लौट आया है। खबर आया है कि पुलिस पार्टी सवेरा में पहुंच रहा है। बच्चा सिंह से बात करना होगा। क्या? कहिए उसको कि मंदिर का पीछा मिले हमसे। का कह रहे हैं, बच्चा सिंह आज तक कभी नहीं आएगा। वो आएगा, जाइए, आप खुद जाइए। आइए बच्चा बाबू, बैठिए। छोड़िए माधव पंडित, अब बैठने उठने का टाइम नहीं रहा। सीधा काम का बात पर आइए। अब कौन सा चाल चल रहे हैं आप? बच्चा बाबू, आप बड़ा बुजुर्ग हो के ऐसा बात करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपका हमरा सर पर बहुत जिम्मेवारी है। अब ई लड़कपन का बात छोड़िए। अरे मैदान में तब बहुत लड़ाई किए हम लोग और करते रहेंगे, मगर बुजुर्गियत के दोस्ती का भी तो ख्याल कीजिए। आपको हम हमेशा अपना से ऊंचा समझा है। ए माधव पड़े, छोड़ो लल्लू चप्पू का बात, जवान का जादू बच चलाओ। ये राजपूत का सीना में बहुत घाव लगा है, बहुत बर्दाश्त किया है तुम दोनों भाई का गिरफ्तारी। अब उस चोट को सहलाओ मत और डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। देखिए, मन को शांत कीजिए, हम यहां कोनो झगड़ा करने तो नहीं आए हैं। तका दोस्ती करने आए हो? हमरा हाथ तो हमेशा से बढ़ा हुआ है। मुंह में राम, बगल में छुरी, तुम क्या जानो दोस्ती किसको कहते हैं?
जो तुमने हमरे साथ किया वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। 12 बरस से मुखिया बनते आ रहे हो, कभी सोचा कि बच्चा सिंह राजपूत का लीडर है? कम से कम दोस्ती के खातिर उसको सरपंच का सीट तो दिया जाए। नहर का कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल रहा था, सो तुमने अपने भाई को दिलवा दिया। नहर का नक्शा भी तुमने अपने खेत से पास करवा लिया। हमको क्या मिला? बाजार हमारे जमीन में लगता था, लाठी भाला के जोर से टैक्स वसूलते थे, सो भी तुमने थाना पुलिस से मिलकर हमसे छिनवा लिया। आप कौन दोस्ती का पाठ पढ़ाने आए हो माधो पांडे, बोलिए। बस इतना सा बात, भूल चूक माफ कीजिए बच्चा बाबू, और सच्चा दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। मौका दीजिए हमको कि हम आपका सब अरमान पूरा कर सकें। नहर का नक्शा बदल दिया जाएगा, नहर का बाकी का कंट्रैक्ट भी आपका, और इस सब के बाद सच्चा दोस्ती का दिल दिखाने वाला बात सुनिए। महात्माइन का 5 बीघे का प्लाट आज से आपका जोत में, बाकी सब आप देख लीजिए। हाथ पांव धोया जाए, थोड़ा चाय नाश्ता। नहीं, नहीं, पहले मौका है वारदात पे चला जाए। कहां हुआ ये कांड? चमर टोली का बहुत सा लोग पेशेवर चोर है, नदी पार का डकैत लोग से उनका कुछ अदावत था। सुनते हैं झगड़े में एक डकैत मारा गया, उसी का बदला लेने वो लोग आया था। बहुत सा लोग था हुजूर, लाठी भाला बंदूक से लैस। पहले भी ऐसा कोई वारदात हुआ था यहाँ? जी नहीं, कभी नहीं हुआ, और चाहे कहीं कुछ हो जाए पर यहाँ हमेशा शांति रहती है। आप लोग कुछ नहीं कर पाए, इतना कुछ हो गया। सब बंदूकों से लैस थे श्रीमान, खाली हाथ गांव का लोग क्या करते। आप यहां बैठ जाइए श्रीमान, और सबका बयान दीजिए। रुन्नू बाबू, हाकिम बयान देगा तुम्हारा तो क्या कहोगे? कहना डकैत जैसा लगता था और उत्तर से आया था। डकैत लोग? तू नहीं समझेगा रे, डकैत का नाम लेने से तुरंत सुरक्षा का प्रबंध हो जाएगा, पुलिस का पहरा लग जाएगा। अब आज जो होना था सो तो हो गया, हमको कल के बारे में सोचना है, समझा कि नहीं? बस ख्याल रहे, डकैत था और उत्तर से आया था। तुमको विश्वास नहीं हम पर? कभी अहित किया है तुम लोगों का? ना मालिक, आपका ही तो भरोसा है। तो बस जो कहते हैं सो कर, लुचा को भेजते। अच्छा मालिक। बोलो बाबा, क्या हुआ तुम्हारी बहू के साथ? क्या उन लोगों ने उसकी इज्जत भी लूटी? बोलो बाबा, कितने थे वे लोग? बाबा जोर से बोलो। अरे बोलो। ओह गॉड, दे सो डम। तुम्हारा क्या नाम है? रघुनी। क्या देखा तुमने? बोलते क्यों नहीं? बोल रघुनी, बोल, साफ साफ बता, उस दिन क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। किसका? किससे? बुटेली का। कलाली में दारू पी के बखतू गुंडा लोगन से झगड़ा हो गया, तो मारा पीटी में दूगो का जान चला गया। लीजिए अब एक और नई कहानी। अरे ये कब की बात है? दुगला हो गया है सब चमार,
कल उलट गया है सबका। अरे काहे झूठ बोल रहा है तुम सब अपना बाप को बचाने का वास्ते? अरे ये कौन है आदमी? पागल है गांव का, पी के अल्लबल बकता रहता है। हटाइए इसको यहां से रुन्नू बाबू, मजिस्ट्रेट साहब का बखत खराब मत कीजिए। अरे इतना आदमी कत्ल हो गया, औरत बच्चा का जान गया, घर जला दिया, आंख मटिया मार दिया, हम सब मुखिया है, सब का सब दोगला, अपना बयान लीजिए मालिक, हुजूर हमसे पूछिए कौन चलाया बस कुछ तुम दोनों यहीं बैठो, साला कुछ बोले तो बेखटक आर पार कर दो। हरामी कुत्ता हरिश्चंद बनने चला है। और क्या देखा? भाला बंदूक से लैस होकर आया और मारने लगा सबको, और झोपड़ी में आग लगा दिया। ये तो मंत्री जी आए। कौन? मिश्रा जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए। बहुत लंबा फेरा पड़ जाता है भाई, इस नदी पर अगर पुल होता तो 3 घंटे की बचत हो जाती। जी प्रपोजल तो भेजा है गवर्नमेंट को, अभी तक कुछ हुआ नहीं। इन लोगों की बस्ती में कांड हुआ है क्या? जी चलिए पहले उधर ही चला जाए। जी प्रणाम प्रणाम। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम। कुछ पता वता चला? जी क्या कहा जाए, अलग अलग बातें कह रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। कुछ ठीक ठाक पता नहीं चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। प्रणाम, जीते रहो। प्रणाम प्रणाम। सब मिलके 17 डेड बॉडीज है। पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूं। अरे इसके घाव तो बेहद गहरे हैं। फर्स्ट एड का बंदोबस्त कर दिया है सर, मेडिकल टीम आते ही होगी। जब यहां तक चरण आए हैं मंत्री जी के, तो हमारी कुटिया पर भी बता रही है। सर वहां चाय पान का प्रबंध है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला लिया है। अच्छा, नहीं चलेगा, अपोजिशन का आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार को इस घिनौने षड्यंत्र से बदनाम करने की नीति को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रत्येक मृत व्यक्ति के वारिस को 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और उनके गृह निर्माण की भी व्यवस्था की जाएगी। जब तक गांव में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक के लिए मैंने पुलिस की व्यवस्था कर दी। कसाई सबका गांव है ई, पहले सबको हलाल किया, अब डरा धमका के बयान बदलवा दिए। नरक है जीवन यहां। बच्चा बाबू भी पार्टी बदल दिए। लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इसीलिए जुल्म करते हैं सब, मगर हमसे देखा नहीं जाएगा। अरे हम भी थाना कचहरी देखे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम जाके देंगे बयान। वैसे अब आप लोगों को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। जी और आप लोगों को कोई भी असुविधा हो जी तो खबर कीजिएगा या आके मिल लीजिएगा। जी वो गांव का पुल बन जाता तो। हाँ हाँ हाँ, मैं जाते ही उसका बंदोबस्त करता हूँ। जी धन्यवाद। पुल बहुत जल्दी बन जाएगा। होगी तो सब हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम। अच्छा प्रणाम 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 प्रणाम।
महात्माइन बहुत उड़ रही है रुन्नू बाबू। ठीक है, एक घंटा बाद मिलो पीछे आम का बगीचा में। अच्छा। बच्चा लोग सब भूखा है, कुछ नहीं खाया दिन भर से, कुछ है तो बना दे। आलू है थोड़ा सा, आग में डाल देंगे तो पक जाएगा। इस वक्त तो कोई कुछ देगा भी नहीं। हाँ, यहाँ कौन बैठा है देने वाला? धान कट जाए तो सब बेच बाच के निकल चलेंगे शहर। ओ संजीवन, आत्माएं बुला रही है तुमको। कौन है भाई? वो चावल देने को बोल रही थी, हमसे कहा जाके खबर कर दो। कौन था? कहा जाने कौन था? महात्मा इन बुलाए चावल देने का वास्ते। हाँ, वही तो है गांव में एक ठो, और कौन है? महात्मा इन, महात्मा इन, हम हैं संजीवना महात्मा इन। महात्मा इन, महात्मा इन, महात्मा इन, महात्मा इन, अरे ये कहाँ? हे भगवान, झंझट हो जाएगा। जल्दी बस, हो गया, मर्डर हो गया। जल्दी चलिए हवालदार, का मर्डर हो गया। हाँ हुजूर, का मर्डर हो गया। हम तो इधर से जा रहे थे कि घिघियाने का आवाज सुने, देखा कि ई चंडाल महात्माइन का देह पर चढ़ा हुआ है। ऊ तो उधर से रुन्नू बाबू आ इधर से बुच्चन दौड़ा आया, नहीं तो इस ससुरा हमरा भी जान ले लेता। ठीक है, आप दोनों आदमी लाश का ड्यूटी कीजिए, अले चलिए इसको पकड़ के। लगता है कि फुल काम किया है ये बिधवा पर। गवाहों के बयानात और मुकदमे के तथ्यों और परिस्थितियों पर निहायत ही गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद अदालत मुद्दालय संजीवन राम को ताजिराते हिंद के दफायात 302 और 376 के अंतर्गत तमाम संदेहों से परे मुजरिम पा चुकी है। अब सजा के बिंदु पर दोनों फरीक की बहस सुनने और सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मैं पाता हूं कि मुजरिम ने निहायत ही वैश्याना जुर्म किया है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अतः अदालत मुजरिम संजीवन राम को मृत्युदंड की सजा देती है, उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे तब तक के लिए लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए।
मालिक, सुना है दामुल पर चढ़े वाला का आखिरी इच्छा पूछा जाता है। संजीवना, का बोला था सरकार? आखिरी इच्छा? क्यों नहीं चढ़ा?